ज्वाइन तो हूँ मोहम्मद, ये आ गए ना मोहम्मद, एक मिनट में मैं किस नाम से आया हूँ, ये नासिर वाला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैं एक चीज़ ये बता दूं कि सर नासिर वोरा है एक्चुअली जॉइंड इन द क्लास नाउ, और सर नासिर बेसिकली जो है वो आप लोगों के साथ ये सेशन कंडक्ट करेंगे। कल हमने FAR 1 की क्लास कंडक्ट करी थी ना, तो उसमें वी रियलाइज के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस वक्त AFC के पेपर दिए हैं, और उन लोगों को जो है एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन बच्चों को बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है। अच्छा, ऑल्दो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, लेकिन हर बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने फिर स्पेसिफिकली सर नासिर से रिक्वेस्ट करी कि सर नासिर जो है वो बेसिकली हमें जो है कुछ वक्त दे, और कुछ वक्त दे के जो है हम सर नासिर को जो है वो ये इस चीज़ के अंदर एंगेज करा कि जी सर नासिर जो है वो अल्टीमेटली जो है ना ये सेशन को कंडक्ट करें। तो सर नासिर, ओवर टू यू, यू कैन नाउ स्टार्ट ऑफ। ये मेजॉरिटी वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, तो सर इनको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाएं, और सर इन सबकी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना 20 दिन के अंदर जो है ना ये अकाउंटिंग कंप्लीट करा दें ताकि आगे FAR 1 पढ़ सकें। इंशाल्लाह। सर अब मेरी आवाज क्लियर है? ठीक जी सर, बिल्कुल क्लियर है, और सर मुझे इजाजत दीजिए, ओवर टू यू सर नाउ। थैंक यू। है सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद नासिर वारा। वॉइस बहुत कम है। हारून अब क्लियर है? ये पहले का तुम मैसेज कर रहे हो। हेलो, क्लियर है वॉइस? चले, वॉइस बहुत लो है, ये मुझे नहीं पता। रफीक के पास क्लियर आ रही है, हारून आपके पास क्यों ऐसा है? वापस से रिज्वाइन करके देख लो। अच्छा जी, बहरहाल बच्चों, FAR 1 के अंदर जो टॉपिक्स आप लोग जो पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो पहला ही जो आप सर ने जो भी IAS वगैरह जो स्टार्ट करेंगे, तो मेरे लिहाज से उससे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग बहुत ज्यादा क्लियर होना लाजमी है। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको मुझे बताएं स्क्रीन आपको जो है। सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है? चलें, ठीक है। तो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को खुशामदीद। जरा इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें जो बेसिक की हैं, उमर, एजाज, अक्सा, बेग, कामरान, आजिमा, हारून, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, रफीक, साहिल, इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे अपने एंड से कि आपको सारी चीज़ें स्टार्ट हो। अच्छा जी, मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज जो है एक वर्ड जो है आपके सामने है, जो वर्ड है बिजनेस। आपने सुना होगा, बहुत कहते हैं चलो यार आओ यार कारोबार करते हैं, आओ यार बिजनेस करते हैं, आओ यार तिजारत करते हैं। यह बड़ी बरकत होती है तिजारत में, कारोबार, धंधा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? वसीम, बाकी सब कुछ क्लियर है बेटा? Anyone tell me what is the definition of business? The word business, बेटा, कोई बता सकता है मुझे? Yes, please. जिसने कुछ कोई आइडिया शेयर कर रहा हो, इससे
क्या हो जाता है, एक पार्टिसिपेशन मिल जाती है आप लोगों की, एक आंसर आया मेरे पास, वो काम जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए। वेरी गुड जर्लेश, एक्सीलेंट। बहुत सारे लोग जो है वसीम इसके अंदर, अरुण पार्शियल बात करते हैं, कभी कभार बोलते हैं सर बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड बिजनेस। विकी ने भी बहुत सही बात बोली है, टू वर्क वी डू फॉर अर्निंग। वेरी गुड रफीक, बिल्कुल सही है विकी, दैट वर्क फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत आला। दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बीच में आपका प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए, लीगल वे टू अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। एनी एक्टिविटी, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इजीएस्ट डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर में जरा साथ साथ प्लीज ये लिखते जाएं, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। वो शेयर तो कर दूंगा मैं ये पीडीएफ, लेकिन एक लिखने से आपके पास नोट बन जाएगा, टू द पॉइंट लिखेंगे, बहुत लंबी नहीं। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स कॉल्ड बिजनेस। दुनिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में प्रॉफिट आ जाए, दैट इज कॉल्ड अर्निंग मनी आ जाए। मोहम्मद अली ये क्या भेजा है भाई, ये क्या लिखा है तुमने? एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड बिजनेस। दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसके बीच में आपके पास प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। एक और डेफिनेशन लिख लेना, द प्राइमरी बेटा, ये आप लोग ये माइक को म्यूट रखें बेटा, आप लोग बीच में डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो यार, ये मेरे समझ से बाहर है। एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। दूसरी डेफिनेशन है द प्राइमरी एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइमरी काम भी क्या है, पैसा कमाना, सेकेंडरी काम भी क्या है, पैसा कमाना, फाइनल काम क्या है, पैसा कमाना। द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, इधर आपको एक और चीज इधर डिस्कस करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, इधर एक और सारे स्टूडेंट्स को देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इधर से बात शुरू करी जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा, और दो डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक आपके पास है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड
ऑर्गेनाइजेशंस, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है. ओके सर, देन प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट के अंदर ये फर्क है कि जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती हैं. वो आपके पास जो है एनजीओ होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एडी फाउंडेशन हो गई है, सैलानी वेलफेयर हो गए. आपने देखा होगा कभी भी ये कोई चीज जो है बेचते नहीं है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी काम करते हैं. इनकी एम्बुलेंसेज हैं और इनका जो मेन पर्पस है, याद रखिएगा, कभी भी वो चीजें गुड सोल्ड आउट नहीं करते. और ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन याद रख लो आपकी चैरिटी पे चलती है, डोनेशंस पे चलती है, ज़कात खैरात पे चलती है. हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी चैरिटी बेस्ड होती है, और वो तमाम चैरिटी बेस्ड जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है. आपका FAR 1 के अंदर एक पूरा 15 से 20 नंबर का सवाल इस दफा इसमें इंक्लूड है, जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसकी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी होगी. सारे स्टूडेंट्स का आवाज क्लियर है बेटा? जरा बता दो मुझे, इज इट क्लियर? वसीम, एक तकरीबन 10 से 15 नंबर का रफीक ये सवाल आएगा, जिसके अंदर आपके पास साहिल, शुमाइला, उमर, ये जल्ले शेख, ये अक्सा, आपके पास 15 नंबर का एक सवाल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊं. अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला जो है टॉपिक मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है FAR 1 के अंदर जो एक टॉपिक है 15 से 20 मार्क्स का, आपको फाइनल अकाउंट बनाने होंगे. तो इसके अंदर जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह बनती है, ये चैरिटी पे चलती है ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई तरीका नहीं होता, इनके पास सिर्फ रिसोर्सेज आते हैं और ये एक्सपेंडिचर करते हैं. बाकी आपका 80 नंबर का जो भी FAR 1 का टॉपिक है, याद रख लो सारा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है. जितनी भी चीजें पढ़ोगे सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ोगे. नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट? आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनीवन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस? किसी को पता है? जैसे रफीक तुमने बताया था, सरलेश, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस? There are three different types of business. Very good, Vicky. बहुत अच्छे. इसकी sequence को सिर्फ मैं जो है आगे पीछे कर रहा हूँ. Vicky, पहला है manufacturing business. है ट्रेडिंग बिजनेस. ये सब पता क्यों होना चाहिए, जरा गौर से सुन लो. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कोई बताएगा मुझे? कामरान, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस. कामरान, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस. वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस, not the ownership we add raw material, comma, labor, and different expenses. Make a product.
भाई इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, लेबर करते हैं टू मेक अ प्रोडक्ट। मैं फिर क्या कह रहा हूं, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल लेबर का प्रोडक्ट एंड आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट एंड आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट we sell out भाई रॉ मटेरियल ऐड करते हैं लेबर, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ग्रुप ए के अंदर, इसमें आपने कॉस्ट लिए है, टैक्स है और एफएआर वन है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक और बात बताऊं, जितने भी हैं अच्छा कंसेप्ट इधर क्लियर कर लोगे, इतनी आसान आ गया अकाउंटिंग, याद रख लो मैं बार बार रिपीटेड। तो इतना ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को पढ़ोगे दैट इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी इन डिटेल, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। Above cost, for example, textile mill, shoe making factories, बनाते हो। सीमेंट फैक्ट्री का भी एग्जांपल दी थी, सीमेंट फैक्ट्री की अभी आपने एग्जांपल दी थी, वो आपके पास आ गई है। बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है बेटा, जरा मुझे बता दो जरा। दूसरी टाइप का जो बिजनेस है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज कह रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग को तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश्ड गुड्स एंड देन भाई आप ट्रेडिंग बिजनेस में पहले खुद जो है गुड्स खरीदोगे और उसके आपके एग्जांपल है
कितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं? सारे के सारे बेस्ट एवर एग्जांपल हैं ट्रेडिंग बिजनेस के। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? जरा देख लो आप, बेटा ये जरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, इस वजह से
आपको आवाज नहीं आ रही थी रफीक, मूड जरा। अच्छा आप बताओ, वॉइस क्लियर है बेटा? जरा बताओ जल्दी से, शाबाश। विकी, वो असल में जो है ना होस्ट नहीं था मैं, इस वजह से वो ब्लैकआउट हो रहा था और कोई और होस्ट बना हुआ था बेटा, तो फिर वो होस्ट बनवाया, फिर ये क्लियर करा। अच्छा जी, मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि एफ ए आर वन के अंदर आपके पास 80% सिलेबस जो है वो आप ट्रेडिंग का है, जिसके अंदर हम पहले याद कर लो। तो ट्रेडिंग बिजनेस के बाद यार काजमा, इसका मैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि कभी क्लियर होगी, शायद हो सकता है बैंडविड्थ की वजह से जो है वो हो सकता है ना, जरा देख लो वॉइस में लैग। हाँ हो सकता है जलेश। अच्छा एक चीज देखो, मैं अगर एक बात बताना मुझे जलेश काजमा, ये मैं अगर हैंड्स फ्री हटा रहा हूँ तो अब ज्यादा वॉइस क्लियर है, जरा देखो मैं ये हैंड्स फ्री हटा के अब बात कर रहा हूँ, अब क्लियर है, जरा देखो अब क्लियर है, तो हटा दूं मैं। ठीक है रफीक, वो 10 मिनट कुछ बात ही नहीं हुई। अच्छा मेरे एक बात सुनो, अगर विकी इसके अंदर जो है ना, एक अभी से पहले से बता दूं, अगर कभी नेट का प्रॉब्लम हो रहा हो और मैं अगर होस्ट ना बनाऊं और मेरी वॉइस बंद हो जाए, तो जो होस्ट बनाओ वो मुझे होस्ट बना देना बेटा, ये जो पार्टिसिपेंट बैठे में, जैसे अक्सर जो है ना वो होस्ट बन गई थी जब अभी डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मुझे वापस बना देना अगर मेरी आवाज ना आए तो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि देर आर 3 different types of business. Number one is manufacturing business. In manufacturing business, we add raw material and after making that product, we sell out at above cost. तो इसको आप डिटेल में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। सेकेंड टाइप का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में हम कोई चीज बनाते नहीं है। आई रिपीट रफीक, रलेश, अक्सर, काजिमा, वी हम कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड नहीं करते, हम बनी बनाई खरीदेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और यू कैन से दैट फ्रॉम द रिटेलर और द मिडलमैन और द डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। ये पता होना आपको क्यों जरूरी है बच्चे, कि आपके पास एफ ए आर वन के अंदर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे ज्यादा 80% कोर्स में आएगा आपके पास। फिर आपके तीसरे टाइप की जो बिजनेस है दैट इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस। ये सर्विस बिजनेस में क्या है, सर्विस बिजनेस वी रेंटेड सर्विसेज। बिल्कुल सही इकबाल, वेरी गुड, वेरी नाइस इकबाल, बिल्कुल सही है। इन सर्विस बिजनेस वी रेंटेड services and against that services we charge, for example teachers, professors, lawyers, architects, किसी को पता है स्टेट एजेंट का क्या काम होता है? स्टेट एजेंट पता है, स्टेट एजेंसी वालों का क्या काम होता है? जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ एनी
can you give me some idea? State agents. Yes. नहीं वो तो है रफी के, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं यार काजमा? ये तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी तो हो गया बेटा, उनके सर्विसेज क्या होती हैं नहीं पता। हालांकि ये तो बहुत कॉमन चीज है भाई, दो पार्टीज हैं, एक बंदे को घर बेचना है और एक बंदे को घर खरीदना है। सबसे बड़ी बात, स्टेट एजेंसी वाले का ना ही घर होता है ना ही पैसे होते हैं माशाल्लाह, ना ही घर उसका होता है ना ही पैसे उसके होते हैं, दो पार्टीज को मिलवा देता है, डील अगर फाइनलाइज हो गई तो दोनों तरफ से क्या अर्न करता है ये पता है नहीं? अगर डील फाइनलाइज हो गई, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इतना तो सबको पता होना चाहिए, भी तो रफीक पता होना चाहिए ना कि क्या उनकी सर्विसेज हैं, क्या डील इन प्रॉपर्टी थोड़ी है बेटा। वो दो पार्टीज को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पीसीएचएस में कोई घर चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं घर घर खटखटाता रहूं, भाई आप अपना घर रेंट पे दे रहे हो, भाई आप अपना घर बेच रहे हो, फिर सुबह से निकल के हर एक गली का दरवाजा खटखटा के पूछ रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है करीबी उस लोकेशन पे जो करीबी स्टेट एजेंट होंगे उनसे हमें जो है लिंक करना पड़ेगा, वो हमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर दिलवा देंगे, दोनों पार्टीज को जो है वो डील करवा देंगे, और फिर अगर फाइनलाइज हो गई तो हमें कमीशन। मेरा सवाल ये है, तीन कंसर्न के अलावा चौथा कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपके फादर की अगर कोई फैक्ट्री है तो दे आर इंक्लूड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर आपके फादर की आपके भाई की कोई शॉप है तो ही इज इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग बिजनेस, अगर आपके फादर की सर्विस बिजनेस है यानी कि वो जॉब करते हैं, वो कोई बैंक में काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे व्हाटएवर जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो करते हैं और फिर सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। इधर ये सब कुछ बताना क्यों जरूरी है, जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, आपको बिजनेस की एक डेफिनेशन बताई, फिर मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट है, तुम्हारे पास जो है 80% कोर्स प्रॉफिट ओरिएंटेड है, 20% का एक तुम्हारा चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर कॉम्प्लेक्स बिजनेस भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बिल्कुल सही है इकबाल, वो तो इसकी डिटेल में जाओगे तो फिर आते जाएगा इकबाल। नॉन प्रॉफिट में जो है आपका एक 20 नंबर का 15 नंबर का सवाल है। टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैंने बता दिया आपको, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है और एक सर्विस बिजनेस है। व्हाट नेक्स्ट सर, इसके बाद क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है, अब मैंने इफ वी मूव फॉरवर्ड तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिहाज से, टाइप्स ऑफ ओनरशिप बताएगा, टाइप ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस बताएगा, शाबाश। नहीं पता सोल ओनरशिप विकी, वेरी गुड पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक, वेरी नाइस विकी, एक्सेलेंट, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी नाइस। दे
देर आर of ownership in business. सर वो कौन कौन सी है? नंबर वन सोल प्रोप्राइटर, साथ साथ लिखते जाओ फायदा हो जाएगा. सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस. पूरे बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मालिक हो. देयर इज ओनली एंड लोनली वन ओनली बिजनेस मालिक हो. सेकेंड वन इज पार्टनरशिप. ये भी क्यों पता होना जरूरी है? पार्टनरशिप बताएगा टू ओनर्स मैक्सिमम 20 तक जाते हैं. लेकिन याद रख लेना दो होना लाजमी है, नॉट मोर देन. वेरी गुड विकी, बिल्कुल सही है. मैक्सिमम 20 तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है. अब इधर सारे स्टूडेंट्स एक और बात सुने, इधर ले शफीक, अक्सा, काजिमा, इकबाल, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तुम्हारा FAR 1 में जितना भी कोर्स है वो सारा जॉइंट स्टॉक कंपनी पे है मेरा बेटा. आई रिपीट, जो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से जब ये ले रहे हो सेशन कंडक्ट करा है तो उससे आप फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लो. सर ना सोल प्रोप्राइटरशिप है FAR 1 में, ना पार्टनरशिप है मेरा बेटा, सिर्फ आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी एक टॉपिक है आपका, यानी कि एक टाइप की ओनरशिप है. सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और एलिब्रेट करने से पहले ये जरा सा बता दूं कि इन जॉइंट स्टॉक कंपनी हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस के शेयर हिस्सा जर्नल पब्लिक को में इशू करते हैं, फ्लोटेड आउट इन जर्नल पब्लिक शेयर्स बेचते हैं, और उसके लिए वो शेयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, हम वो जो अपने बिजनेस का हिस्सा दे रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं. तो जब हम पैसे लेंगे तो वो किस बिहाफ पे हमें पैसे दें? हमने ये बोला एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि हम कंपनी का हिसाब किताब करेंगे, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हम सब सारे शेयर्स होल्डर को बांटेंगे. तो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट ने कहा कि अगर आपको लोगों से पैसा इकट्ठा करना है तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. किसी इंडिविजुअल के पास राइट नहीं है, देयर इज नो राइट टू गैदर द अमाउंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आपके पास राइट थोड़ी है. हालांकि आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं, आपका हलाल काम है. सर क्या मतलब? पैसे अपने दोस्त यारों से जमा करके कोई कारोबार स्टार्ट कर दिया, उसको कोई लीगल फॉर्म नहीं दिया है, तो फिर ये भी याद रख लो कि जब उसमें डिस्प्यूट होगा तो गवर्नमेंट कोई भी काम वाम नहीं करेगी. स्टेट बोलेगी आपने कोई रजिस्टर्ड कंपनी बनाई थी क्या, आपने कैसे फेथ कर लिया? इसीलिए मैं कह रहा हूं और सुनो,
अगर कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी ने बोला कि हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करें, हम आपको ये रिटर्न देंगे, ये प्रॉफिट देंगे, ये फलाना, आपको ग्लैमर दिखाया, आपको हरे बाग दिखाए, सब बाग दिखा दिए कि 2 लाख रुपए पे हम आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपए देंगे, आपने 2 लाख रुपए दे तो दिए, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात, उसने पहले महीने 10 हज़ार रुपये माशाल्लाह आपके ही पैसों में से निकाल के दे दिए, और हो सकता है कि दूसरे महीने भी दे दिए और तीसरे महीने गायब, शॉर्ट। और जब वो शॉर्ट हो गया मेरा बेटा, तो आप जो है वो गए भागे भागे पुलिस स्टेशन गए कि भाई हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये भाग गया। तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी आपने हमसे पूछ के इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने पहले तहकीकात करी थी कि ये सही ग्रुप है, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है, आपने उठा के मुंह उठा के अपना पैसा दे दिया, अब बाहर में जाओ ढूंढेंगे, ठीक है। यानी कि आपको मुझे टाइम्स कंपनी का नहीं पता, टेंशी इंटरनेशनल ये क्या है, सारी फेक कंपनियों के 2 नंबर कंपनियों के नाम बता रहा है रफीक, मुझे लग रहा है मैंने तो कभी कोई ऐसी कंपनी के नाम ही नहीं सुने। हाँ ऐसे हजारों हैं, ये टाइम्स और वाइन्स क्या है, हर कोई जो है इधर हमारे दोस्त ने बात से बात निकलता हूँ, आज से मेरे ख्याल से मैं 96 में इंटर किया था, 98 की बात बता रहा हूँ, 98 में हमारे दोस्त ने क्या करा, पैसे वाला था, हम गरीब थे, उसके पास पैसे थे, उसने क्या करा, एक बैंक जो है वो रिटर्न बहुत अच्छा देता था रफीक, उसने, मैं 1998 की बच्चों बात बता रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने 7 लाख रुपए बोलान बैंक में जमा करवा दिए। मैंने कहा भाई ये तो बैंक का मैंने नाम ही नहीं सुना, बोलान बैंक। बोले भाई क्या पता तुम्हें, क्या प्यारा बैंक है, सारे बैंक वाले 600-700 रुपये रिटर्न देते हैं, ये 2 हज़ार रुपये देता है। मैंने कहा अच्छा भाई ये सिर्फ एक, अच्छा मैंने कहा भाई हमने तो हबीब बैंक का नाम सुना है, एमसीबी का सुना है, उस वक्त पता नहीं मिजान था नहीं था या इनिशियली स्टार्ट हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रोइंग बैंक आर दी ज्यादा ये थे आपके अस्करी था भाई, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा रफीक भाई, उन्होंने जो है 20 लाख और 7 लाख रुपए, वो अल्लाह आलम हमारा दोस्त भी किससे लेकर आया था, और उसकी एक ही ब्रांच थी आज तक मुझे याद है, इसलिए कि मैं खुद गया था इसलिए मैं विटनेस हूँ, ये जो आपके पास हसन स्क्वायर पे जो जहाज खड़ा हुआ है, इस जहाज के बिल्कुल सामने जो पिज्जा हट है उसकी लाइन में बोलान बैंक होता था एक, आज से 20-30 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और फिर यही हुआ, उसको बेहतरीन प्रॉफिट मिलने लगा, एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से रफीक उसको 2-4 महीने तक भाई हम लोगों को भी लालच आ गई यार, 7 लाख रुपए 14-14 हज़ार रुपए प्रॉफिट लेकर आ रहा है, हमारा भी माइंड बनने लगा, इतना कोई प्रॉफिट दे ही नहीं रहा था उस वक्त मार्केट में। और यही हुआ मेरे बच्चे 2-3-4-5 महीने तक दिया, आई थिंक मेरे हाथ 5-6 महीने तक दिया, और एकदम बैंक ही गायब हो गया भाई, हवा में उड़ गया। तो इधर से एक और आपकी बात से इतना बताऊं कि शेड्यूल बैंक के अंदर पैसा जमा करवाना चाहिए, ये NIB सर, ये कैसे पता चलेगा सर, हम आपके दुख में नहीं, इकबाल हम, मुझे दुख किस चीज का है भाई, अल्लाह ना करे मेरे पैसे गए नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने तो अपने दोस्त को समझाया था कि भाई इतना सारा प्रॉफिट दे क्यों रहा है, कौन सा काम कर रहा है। तो बेटा आप भी कहीं भी किसी कंपनी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो पहले आप देख लो कि वो लिस्टेड कंपनी है, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सारा का सारा, जितना भी आप कोर्स FAR 1 के अंदर और IAS पढ़ोगे मेरा बेटा रफीक, वो सारी की सारी कंपनी, एक बात से बात निकली है तो एक और बताऊं मैं, तो एक लड़के ने कहा सर हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट विच बैंक्स आर शेड्यूल बैंक एंड विच आर नॉट नॉन शेड्यूल बैंक, यू हैव टू सीन इन द गूगल, गूगल पे देखो स्टेट बैंक ने एक लिस्ट निकाली है,
और अगर रफीक आपको किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसको भी आप पहले सर्च करो, आप जाके स्टॉक एक्सचेंज में जाके पूछो आर दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड और नॉट, देन यू हैव टू परचेज द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। आइदर वो सारी फ्रॉड कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन एक और बात बता दूं, बात से बात जितना मेरा तजर्बा है थोड़ा सा, जितनी भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो गवर्नमेंट से ज्यादा लालच देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 times 3 times तक भी प्रॉफिट दे देती है ताकि बच्चे लड़के जो है लोग अट्रैक हों उनके पास इन्वेस्ट हों। अब ये नहीं पता कि उनका टाइप क्या है, क्या कंसर्न है, पूछने चाहिए। बहरहाल इन जॉइंट स्टॉक कंपनी The shares are floated out in general public. Public में शेयर बेचे जाते हैं वो एक अलग बात है। सारे स्टूडेंट से एक और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, जब तुम ये कंपनी को लिस्टेड करवाने जाओगे, स्टॉक कंपनी जो है फॉर्म करने जा रहे हो, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा यूनिक, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी किस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन कर रहे हो, कौन कौन पार्टनर है, सारी डिटेल पूछेगी। इसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। इस को आप सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे अभी होनहार स्टूडेंट्स अभी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, ये आपका मेन पॉइंट है मेरा बेटा जो आपको करना है एफआर वन में। जितने भी सर आईएएस स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज के लिहाज से बात होती है, बात से बात निकली रफीक एक, आई विल गिव यू अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक जरा खुद अकल लगाओ, अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार खोला है, आई एम ओनली एंड लोनली ओनर ऑफ द बिजनेस, मेरा पूरा बिजनेस है, सारे डिसीशन मेरे, सारी पावर्स मेरी, सारे डिसीशंस मेरे, मुझे एक बात का तो जवाब दो, खुद अकल लगाओ, किसी का पैसा नहीं है, सारे डिसीशन मेरे, सब चीजें मेरे लिहाज से होती हैं, तो फिर मैं इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स को क्यों ऑडिट करवाऊंगा, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप पे शक कर रहा हूं, मतलब मैं अपने आप की चोरी देख रहा हूं यार, कैसे बेवकूफ वाली बात है। पार्टनरशिप में भी कोई जरूरत नहीं है, किसी और का पैसा नहीं है, दो पार्टनर हैं, दोनों साथ बैठते हैं, सब कुछ सामने है। एक बात बताऊं, जैसे हमारे एक दो तकरीबन 20 साल से जो है यूएस में है, उसने अपने एक दोस्त के साथ, उसमें मैं भी इंक्लूड नहीं हूँ, उसने जो है इधर एक कंपनी बनाई हुई है एक पार्टनरशिप में, तो अभी आया तो बोला यार ये हर साल मुझे रेगुलर प्रॉफिट तो देता है, क्या ये बिल्कुल सही प्रॉफिट देता है या नहीं देता। अच्छा इनकम स्टेटमेंट भी भेजता है, सारे अकाउंट्स भेजता है उसको, मतलब कि ईमेल कर देता होगा, व्हाट्सएप कर देता होगा, सारी चीजें कर देता होगा, लेकिन बस उसको एक डाउट आने लगा कि यार ये सही तरह सही इनकम स्टेटमेंट बनाता है, मिसाल के तौर पर 50 lakh का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या ये प्रॉफिट जो है बिल्कुल सही है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं। आसान सी बात है, इस दफा तुम आए हो, तुम अपने दोस्त को बोल दो कि यार मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने अकाउंट्स को जो है वो ऑडिट करवा लें, इसलिए कि मैं बाहर रहता हूँ, या तुम मैंने कहा अपने फादर के नाम से करवा लो, ऑडिट कंपनियां जो है वो आपके सारी पार्टनरशिप के अकाउंट्स को चेक कर लेगी, इसके बाद रिपोर्ट दे देगी रफी कि आइदर दे आर क्लीन एंड प्रूफ, या कोई मैनिपुलेशन आई है, कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है, पता चल जाएगा क्लियर। उसके लिए 50-60 हज़ार रुपए की फीस देनी पड़ेगी ऑडिट फर्म को, किसी को भी हायर कर लो, KPMG, डेलॉयट, ये जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं जिसके अंदर तुम लोग जाते हो आर्टिकल्स करने के लिए, यही सब करते हैं। और अब जरा और सुनो, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि जब तुम कंपनी फॉर्म करोगे और जनरल पब्लिक का पैसा तुम लोगे, तो
तो उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी है। इसलिए कि अवामुन्नास को तुम जो है ये सारी रिपोर्ट्स भेजोगे, क्या ये सही बनाई है, क्लीन है, सही है, कोई चीज ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड तो नहीं कर दी है, दे आर इन ब्लैक एंड व्हाइट। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, दीज आर दीज कंपनीज विच आर लिस्टेड फ्रॉम और रजिस्टर्ड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, दे मस्ट, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी कि उनका ऑडिट करवाया जाए और फिर उसकी ऑडिट की रिपोर्ट पेश की जाती है कि हाँ भाई इन्होंने सही प्रॉफिट बताया है, ताकि शेयर होल्डर्स को एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ भाई हमें सही प्रॉफिट। याद रखना प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड होता है, प्रॉफिट का मतलब सर। सो कैन वी बाय अ ऑडिटर है, सो वी कैन वी बाय अ ऑडिटर, हाँ आप ऑडिटर ही तो बनोगे आगे बन के, फॉर एनी लाइसेंस फॉर इट, नहीं नहीं इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी, इसका लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस यही है रफी कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है ऑडिटर बनने के लिए। फाइनल अकाउंट्स अगर कंपनी के अकाउंट्स चेक करने हैं तो आपको यू हैव अ डिग्री, यू हैव अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ कंप्लीट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैव यू गॉट माय पॉइंट, इज इट क्लियर बेटा जितने भी बच्चे बैठे हुए। तो अब क्या होगा, जब FR1 पढ़ रहे होगे तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी, उसको सिंक्रोनाइज करना कि किस तरीके से हमने उसको किस तरह से बात को लिया है। तो याद रख लो जितना भी अभी की जॉइंट स्टॉक कंपनी का, अब याद रखो उसमें ट्रेडिंग बिजनेस तुम्हारा शामिल है नंबर वन, और ट्रेडिंग बिजनेस के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो ये पता होना चाहिए। और जब कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास लेने के लिए बैठो या उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो या उसकी लाइव क्लासेस देखो, ये मेरी तरफ से एक पर्सनल आपके लिए एक ओपिनियन है, तो फौरन अपने आप को किसी फैक्ट्री का, किसी टेक्सटाइल मिल का, किसी गारमेंट्स कंपनी का एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट समझ लेना। हैव यू गॉट माय पॉइंट मेरा बेटा, आगे देखते हैं व्हाट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा एक और इधर बात क्लियर कर दूं, टू द पॉइंट, यानी वो नेसेसरी चीजें जो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ सीए स्टूडेंट आपको कंपलसरी पता होना चाहिए, वो सारी आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये सब आपके पास नोट डाउन हो जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी कोई बता सकता है इकबाल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग चैंपियन, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है ज़रलेश, बट द इजीएस्ट वन इज, बट द इजीएस्ट वन इज अकाउंटिंग सीनायो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बताएगा बिजनेस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हेड्स ऑफ मूवमेंट एंड रिकॉर्ड कॉल्स अकाउंटिंग, पर मजेदार नहीं है बस सही है, अपनी तरफ से बना लिए तूने। हाँ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सही है वसीम, ये फिर भी कदरे बेहतर है, एक बार लंबी करी है तुमने। और सबसे आसान और चूरन एग्जाम्पल ये तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीन पे लिखी है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग, बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग, वेरी गुड। ये तो विकी सबसे बेस्ट एवर मिक्स एंड जॉनसन दोनों भाई की मशहूर जमाना डेफिनेशन,
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग, ये भी खा गया है विकी, आधी बात लिखी है ये तो विकी थी, अब ये सेकंड में यही लिखने जाता था। लेकिन आपसे अगर कोई बोले कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो आप सिंपल यू से दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बोले जाने वाली जबान। और जो मिक्स एंड मिक्स मिक्स एंड जॉनसन ने दी है वैसे दैट इज अकाउंटिंग, उसी को मैं पूरा लिख रहा हूँ जो विकी ने अभी लिखी थी, और ये सारे स्टूडेंट्स को पता भी होना चाहिए मिक्स एंड मिक्स मिक्स एंड जॉनसन दो बड़े मशहूर ऑथर हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक फन है आर्ट बोलते कला, कला इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। अब आवाज सही है मेरा बेटा, मैंने वो हैंड्स भी हटा के का बात कर रहा हूं, हो सकता है हैंड्स भी खराब हो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग, कुछ मैनिपुलेटिंग भी है छोटा मोटा, प्लस माइनस डिवीजन मैनिपुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कुछ इंटरप्रेट करना होगा, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। This is the world's most popular definition. Next, what next, sir? Heads of accounts. अच्छा एक बात इधर मैं इस फोरम पे बता दूँ इंशाल्लाह, जो हमें जो करवाना है तो टाइम के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होगी और शायद लेट आर्स में भी क्लास हो सकती है जितने बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ये कंपलसरी लीजिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से पूरा यकीन है कि आपको ये क्या लिखा है इकबाल, बिजनेस हेड्स आर कैश शॉप फर्नीचर वर्किंग बॉय सैलरी। इकबाल बस अब आप नहीं लिखिएगा, बड़ी मेहरबानी। सही है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, मैं बात क्या कह रहा था भाई कि थोड़ा सा टाइमिंग्स के अंदर आगे फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन वो हम देख लेंगे जरा। और लेकिन ये आप लाइव ले लोगे तो कोई सवाल होगा तो उस वक्त पूछ भी सकते हो। पिलर्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, गलत बोला था, मुझे नहीं पता किस एंगल से बोला था, कहां से पढ़ा था। देयर आर फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे हम बनाते हैं तो उसके लिए पिलर्स डालते हैं, तो याद रख लो। वेरी गुड शुमाइला, इसका एक आसान तरीका, इंशाल्लाह ये बड़ा फ्रूटफुल लगेगा तुम लोगों को। आप यूं याद कर लेना ALCER, बोलना मुझे बीमारी हो गई है अल्सर, अल्लाह ना करे। वो मेडिकल वाली जो रफीक होती थी वो यू से होती थी, उस यू को हटा के ए कर दिया। तो आज से कोई भी बोले तो बोलना मोहल्ला आपने भी बिल्कुल सही बताया था, बस इसी तरह पढ़ा रहा हूँ जिस तरह है भाई, कुछ भी चेंज नहीं करना। वेरी गुड, तो विकी इसको एक आसान ये वे में क्या होता है, ये पांच में से कुछ ना कुछ जो है नए स्टूडेंट स्पेशली भूल जाते हैं, तो आज के बाद अगर कोई भी बोले यार हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है तो बोल एक सेकंड में प्रॉम्प्ट जवाब देना, अल्सर अल्सर, एसेट, ए स्टैंड फॉर एसेट्स, एस स्टैंड फॉर लायबिलिटीज, ए
एग्जाम्पल स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू ये पांच हेड हैं ये याद रहेंगे बेटा इज इट क्लियर बेटा के बाद इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे अभी नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन ये आप जो है रफीक उनसे भूल दीजिएगा शुमाइला वेरी गुड आप एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी तो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज ये लास्ट देख लो फिर मैं इंशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल आइडिया और आइडिया क्या जनरेट किया Resources in the business equals to resources supplied by the owner. अगर ये कहा जाए बच्चों के सबसे पहले ये एक डेफिनेशन या एक वर्ड जो है resources in the business is called asset and resources supplied by the owner is called capital so pehli accounting equation ho gayi asset equals to capital ab aap bolenge sir ye kya on the other hand If resources supplied in two ways, तो वो two ways क्या है resources in the business equals to resources supplied by other people plus resources supplied
resources in the business is called assets. Resources supplied by other people is called liabilities. And resources supplied by the owner is called capital. वही बन गई है assets equal to Sumaila liabilities plus capital. ऊपर वाली इक्वेशन में फर्क ये है कि बच्चों ये किसी ने परसेप्शन दे दिया नहीं भाई एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होता है. अगर 1,000 रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं और सारे के सारे ओनर ने लगाए हैं तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट इक्वल टू कैपिटल. और अगर बिजनेस में 1,000 रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, एसेट्स लगे हुए हैं, उसमें से 800 रुपए ओनर के लगे हुए हैं, 200 रुपए किसी बैंक से लोन लिया है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर बेटा? आजमा, उमर, साहिल, जरा जल्दी बता दूं. सेम. तो आज के लिए बेटा इतना ही है. इंशाल्लाह इससे आगे फिर जो है नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, ये आपको मैं जो है ना पीडीएफ भेज दूंगा. आपने नोट डाउन करा है साथ साथ? समझ आया बेटा अच्छी तरह? विकी, काजमा, अक्सर आपको समझ में आया है लेक्चर आज का? इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है चले. ओके बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. ये एडमिन से हारून जरा कांटेक्ट कर लेना. ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह.